हेलो दोस्तों, ये हवेली मेरी है और इस हवेली की एक कहानी है जो आज सबको दिखानी है। इसमें मैंने कुछ नहीं पाया, सिर्फ खोया है। कैसे, देखिए आप। अरे ये ठाकुर की हवेली और कितनी दूर है? अभी तो और आगे चलना पड़ेगा। और लो अरे हार थोड़ा यार, अबे तुझे ये जंगल में ही लेना थी हवेली। अच्छा वो ठाकुर तू अरे वहाँ शेर चला गया, नहीं तो तू भी पीर बाबाओं की तरह हुआ। ये पोखा तो ही आते ही जंगल में आते ही छोड़ना ही थी तो कहीं शहर में छोड़ते, बड़ी हवेली। चलो अभी और आगे चल रहे हैं। देखो हवेली का गेट। अरे ताला डला है, ऐसा क्या रखा है तेरी हवेली में जो कि ताला डला हुआ है? गेट तो खुला हुआ है। अरे क्या कर रहा है? जंगल में भी अरे वो कौन है? वो बुड्ढा कौन है? किधर है यार? इसके अंदर कब जाएंगे? क्या हवेली मजा। अब अपन लोग अंदर तो नहीं जा सकते, रात बहुत हो गई है। अबे तू हमेशा यही करता है, हमेशा बोर करता है। अभी मुझे ना बांसखेड़ा भी जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है। वहाँ से आने के बाद अपन लोग चलेंगे, तुम लोग यहीं रुके रहना। ये कौन खड़ा है? अरे यार तू जा, हम ठीक से संभाल लेंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाओ जा। ठीक है, और हाँ भूल के भी गेट के अंदर मत घुसना। कौन है तू? कुलवलदेव सिंह का बेटा। तू अभय सिंह है? चाबी चाहिए? नहीं, तुम हवेली में नहीं जा सकते। इस हवेली में कोई नहीं जा सकता। हवेली तो मेरी है, मुझे हवेली में जाना है। हवेली में जाने के लिए तुम्हें यहाँ से कोसों दूर बांसखेड़ी के जंगलों में जाना पड़ेगा। वहाँ एक बाबा हैं, बाबा तुझे चाबी देंगे और एक यंत्र देंगे, क्योंकि इस हवेली में भूतों का डेरा है। यहाँ जो भी गया है वापस नहीं आया, कभी कभी वापस नहीं आया। मैं बांसखेड़ी जा रहा हूँ बाबा के पास। जब तक मैं ना आऊँ किसी को हवेली के पास मत आने देना। ये नादान चले आ रहे हैं, हवेली के पास किसी को नहीं आने देना है। पता नहीं है ये क्या है, उनको कुछ नहीं पता। अरे यार वो तो पता ही नहीं है।
अपन अंदर चल चलते हैं। कौन है यहाँ? कौन? यहाँ मत आओ, यहाँ से दूर जाओ तुम लोग। हमारे दोस्त की हवेली, हम तो उसका आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग? अरे बाबा काय का खतरा, यहाँ भूतों का साया है। इस हवेली मंदिर जो भी गया है कहीं वापस नहीं आया। तुम लोग भी अगर जाओगे तो वापस नहीं आओगे। यहाँ से दूर जाओ, दूर जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे मैं तो जा रहा हूँ, वो यहाँ पे रुका के चला गया और ये यहाँ से भगा रहे हैं। अपन क्या हवेली में घूमने आए? जा रहा हूँ मैं तो कपड़े चेंज कर हवेली। अरे मैं तो जा रहा हूँ। मैं जा रही हूँ, देखता हूँ यहाँ पानी वानी मिल जाए। हाँ देख यार, कुआ हुआ होगा कहीं भाभी, देख। देख के आता हूँ, साइकिल का लेके आया। हाँ देख के आया यार, बहुत देर हो गई। जा साइकिल लेकर कहाँ गया? ये हवेली तो बहुत शानदार है, अरे बैठने का इंतजाम अच्छा है। कोई ये तो नहीं यहाँ पे स्टूल कहाँ गया? देखता हूँ। यार ये लोग सब पता नहीं कहाँ चले गए, मैं तो खड़े खड़े पैर दुख गए। देखता हूँ बैठने की जगह मिलती है। बैठ जा बच्चा। मुझे हवेली में जाना है, मुझे हवेली की चाबी चाहिए। तुम यहाँ आए कैसे? मैंने बोला था हवेली जाने से पहले बांसखेड़ी जाना, और मैं जब हवेली गया तो वहाँ के दादा ने आपका पता दिया। मैं वहाँ जाना तुझे रोक तो नहीं रहा, लेकिन जाने से पहले तुझे चला जाना चाहता हूँ। तू वहाँ मत जा। बाबा मुझे वहाँ जाना है, और वहाँ हुआ क्या था? 2 से 10 साल पुरानी बात है। ठाकुर बलदेव सिंह, उनके बाबा ठाकुर उदय सिंह,
बहुत अच्छे शिकारी थे तुम्हारे दादा। शिकार छोटा हो या बड़ा हो उनसे छूट कर नहीं जा सकता। लेकिन एक बार उन्होंने एक बहुत हसीन हिरने का शिकार करा जो किसी शेर या बाला के रूप में। बस इस हवेली का अंत जब भी शुरू हुआ और तभी से वो थोड़ा पगला से गए और उन्होंने घर वालों पर ही हमला शुरू कर दिया। ठाकुर बलदेव सिंह की बीवी उन पर भी उन्होंने हमला किया और उसे ख़त्म कर दिया। बस उसका साया आज तक इस हवेली पे आ तेरा हाथ को ये मैं जो ताबीर दे रहा हूँ बांध जाएगा वो कफन के रूप में हवेली पे छाई हुई है। मेरी हवेली खबरे में जब तक ये तेरे पास रहेगा तो तेरा कुछ नहीं जुड़ा पाएगी। इसे अपने आप से दूर मत करना। जे अबे जे जे दरवाजा खोलो बहुत मारूंगा तुम्हें। जे अबे जे दरवाजा खोलो अबे अबे जे संदीप संदीप दरवाजा खोलो खोलो संदीप। कुछ काले जाला
बाबा, उसने मेरे सारे दोस्तों को मार डाला और मेरी माँ को भी मारा था। मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। नहीं बच्चा, नहीं, बहुत खतरा है, इसमें तेरी जान जा सकती है। मैं चाहता हूँ कि तू वापस चला जा और जाके सुकून ज़िंदगी जी। नहीं बाबा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं उसे मारना चाहता हूँ। बहुत ज़िद्दी है तू बालक, ये तुझे यंत्र देता हूँ, लेकिन ख्याल रखना इसमें तेरी जान जा सकती है। वो बहुत शक्तिशाली है, तुझे मारने की कोशिश करेगी, तो इससे उसका नाश कर सकता है, लेकिन बहुत सावधानी रखना। धन्यवाद बाबा। तूने मेरे दोस्तों को मारा है, आज तो ये ख़त्म कर दूंगा।